अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज आपके चैप्टर नंबर 21 का 7th लेक्चर है बायोलॉजी का, और हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की अहमियत। कुछ पॉइंट्स हैं ये आपने पॉइंट्स की शक्ल में बनाने हैं। ये टॉपिक वैसे चल रहा है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, अगले लेक्चर में भी चलेगा। सो हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं और इस टॉपिक को कवर करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस को। सबसे पहले जो हेयर डिटी मटीरियल होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डॉटर सेल, ठीक है। माइटोसिस के अंदर जो हेयर डिटी मटीरियल होता है विरासती मादा डीएनए जीन्स क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डॉटर सेल, इसका मतलब क्या है बेटा? इधर देखिए पहला पॉइंट कवर करते हैं। ये एक सेल है, इसमें सपोज 46 क्रोमोसोम है। अगले जो दो सेल बनेंगे ना उसमें भी माइटोसिस के जरिए अगर बन रहे हैं तो उनमें भी 46 और 46 क्या होंगे? क्रोमोसोम होंगे। अगर एक सेल में 23 हैं तो अगले सेल में भी क्या होंगे? 23 और 23। सो देखें जो नए सेल बनते हैं ना बेटा उनको डॉटर सेल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स। ये डॉटर सेल है नीचे वाले, और ऊपर वाला जो डिवाइड होता है बेटा वो क्या होता है? पेरेंट सेल। आप देख रहे हैं कि पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद वही है जो डॉटर में है। यहाँ पे 46 है तो इधर भी 46, इधर भी 46, इधर 23 है पेरेंट में तो डॉटर में 23। सो माइटोसिस सेल की वो तकसीम होती है जो क्रोमोसोम को बराबर रखती है। तो हम कह सकते हैं कि हेयर डिटी मटीरियल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डॉटर सेल। विरासती मादा जो होता है बेटा डीएनए जो क्रोमोसोम होते हैं वो बराबर बराबर तकसीम हो जाते हैं किसके अंदर? डॉटर सेल के अंदर। एक बात, दूसरी बात याद रखिएगा बेटा, एज देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर। ये माइटोसिस है बेटा, माइटोसिस पार्ट ऑफ माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, यानी कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट नहीं होते और रिकम्बिनेशन भी नहीं होते। याद रखिएगा माइटोसिस के अंदर नो क्रॉसिंग ओवर होती है, नो रिकम्बिनेशन, तो लिहाजा जीनेटिक इंफॉर्मेशन रिमेन अनचेंज्ड। लिहाजा जो विरासती मालूमात होती हैं वो अनचेंज रहती हैं, तब्दील नहीं होती जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हर नस्ल के बाद नस्ल दर नस्ल नस्ल के बाद विरासती मालूमात तब्दील नहीं होती, सेम टू सेम रहती है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होती और कोई रिकम्बिनेशन भी नहीं होते। लिहाजा दस कंटिन्यूटी ऑफ द सिमिलर इंफॉर्मेशन इज एनश्योर्ड फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल। लिहाजा सेम मालूमात जो माँ बाप में होती हैं वही कहाँ जाती हैं? डॉटर सेल में। जो इंफॉर्मेशन पेरेंट में होती है वही की वही डॉटर सेल में जाती है। सो दूसरे पॉइंट को आपने क्लियर किया, एज देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर आर रिकम्बिनेशन द जीनेटिक इंफॉर्मेशन रिमेन अनचेंज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दस कंटिन्यूटी ऑफ द सिमिलर इंफॉर्मेशन इज एनश्योर्ड फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल। कि चूंकि क्रॉसिंग ओवर भी नहीं है रिकम्बिनेशन भी नहीं होते, लिहाजा जो मालूमात होती हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या रहती हैं? अनचेंज रहती हैं। उससे फायदा क्या होगा? कंटिन्यूटी ऑफ द सिमिलर इंफॉर्मेशन इज एनश्योर्ड फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल। तो क्या होता है बेटा? तसलसल चल पड़ता है और वो मालूमात पेरेंट से डॉटर सेल में क्या रहती हैं? सिमिलर रहती हैं, सेम रहती हैं। तीसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, सम ऑर्गेनिज्म जिसमें बोथ प्लांट और एनिमल शामिल हैं दे अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ जानदार मिसाल के तौर पर पौधे और जानवर दोनों, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल होता है। अच्छा, तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल होता है तो इससे क्या माइटोसिस को माइटोसिस में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि याद रखना बेटा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसकी बुनियाद क्या होती है? माइटोसिस। ठीक हो गया। तो माइटोसिस की माइटोसिस बुनियाद होती है, माइटोसिस बुनियाद होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और कुछ जानदारों में पौधे और जानवरों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, यानी कि दूसरे उसमें माइटोसिस होती है। सो सम ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल दे अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन माइटोसिस। अगला पॉइंट बेटा माइटोसिस के से रिलेटेड क्या है कि रीजनरेशन। बेटा ये जानदार की सलाहियत होती है, ये जानदार की सलाहियत होती है जिसमें वो अपना हिस्सा हासिल करता है जो उसने खो दिया हो। सो जानदारों की जानवरों की वो सलाहियत जिसमें वो अपना खोया हुआ हिस्सा लास्ट पार्ट दोबारा रिगेन करते हैं, एबिलिटी ऑफ एनिमल टू रिगेन देयर लास्ट पार्ट, कि अपना खोया हुआ हिस्सा हासिल करना रीजनरेशन कहलाता है। सो बेटा इसकी वजह भी माइटोसिस है। हीलिंग ऑफ द वाउंड्स, बेटा हमें जख्म आते हैं और जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो जख्म का हील होना भी माइटोसिस की वजह से है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्डर सेल, मिसाल के तौर पर बेटा जो रेड ब्लड सेल होते हैं
उनकी जिंदगी 120 दिन होती है, 120 दिन के बाद पुराने रेड ब्लड सेल मर जाते हैं, उनकी जगह नए आ जाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्डर सेल, के पुराने सेल की जगह नए सेल का आना। सो ये चाहे रीजनरेशन हो, चाहे हीलिंग ऑफ द वाउंड हो, चाहे रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्डर सेल हो, दे ऑल आर द गिफ्ट ऑफ माइटोसिस। ये तीनों रीजनरेशन, हीलिंग ऑफ द वाउंड, रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्डर सेल, ये सारे किसके गिफ्ट हैं, किसकी वजह से होते हैं, ये भी सारे माइटोसिस की वजह से होते हैं। आगे चलते हैं बेटा, मैं आपको बता दूँ, ये है बेटा एग, ठीक हो गया, और ये है स्पर्म, इन दोनों का मिलाप होता है, इनके मिलाप को फर्टिलाइजेशन कहते हैं बेटा, एग स्पर्म, इनके मिलने को, इनके फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। उसके नतीजे में बेटा बनता है जाइगोट, और तमाम जानदार इब्तदा इसी एक सेल से होती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। उसके बाद बेटा जाइगोट सेल्स में तकसीम होता है, सबसे पहले दो सेल में, ठीक हो गया, उसके बाद फिर बहुत सारे सेल्स में तकसीम होता जाता है, और ये सारी सेल की जो तकसीम है ये भी किसकी वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से, और उसकी शक्लें बेटा चेंज होती जाती हैं, उसकी शेप्स क्या होती जाती हैं, उसकी शेप्स चेंज होती जाती हैं, तो उसकी शक्ल का चेंज होना दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट, इनके उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको हम कहते हैं डेवलपमेंट, जो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होती है ना उनको बोलते हैं डेवलपमेंट। उसकी वजह डेवलपमेंट के पीछे भी किसका हाथ है, माइटोसिस का। उसके बाद बेटा जानदार पैदा हो जाता है, सपोज ये जानदार है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसका साइज बड़ा हो जाता है, जानदार के साइज में इजाफे को बोलते हैं ग्रोथ, जानदार के साइज में इजाफे को बोलते हैं ग्रोथ। इसमें सेल कम होंगे, इसमें सेल ज़्यादा है, तो ज़्यादा सेल किस संभल से हुए, माइटोसिस। तो याद रखना बेटा, ग्रोथ की वजह भी माइटोसिस है, डेवलपमेंट की वजह भी माइटोसिस है। सो मल्टी सेलर जानदारों में जो डेवलपमेंट का अमल होता है और जो ग्रोथ का अमल होता है, उस सब के पीछे किसका हाथ है, ऑर्डरली और कंट्रोल्ड माइटोसिस का हाथ है। ऑर्डरली सही तरीके से होने वाली और कंट्रोल में रहने वाली माइटोसिस का हाथ है। पॉइंट को क्लियर करें आप, आपने क्या कहा, द डिवेलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन ऑर्डरली एंड कंट्रोल्ड माइटोसिस। उसके बाद आगे बेटा आपने टिश्यू कल्चर पढ़ी हुई है कि टिश्यू हम लेते हैं और उस टिश्यू से नए जानदार बनाते हैं, इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। उसमें जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसको हम क्लोनिंग कहते हैं, दे सीक हेल्प थ्रू माइटोसिस। तो वो ये अमाल दोनों किससे मदद लेते हैं, गेट हेल्प थ्रू द माइटोसिस, सी का मतलब गेट, ठीक हो गया, टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग भी किससे मदद लेते हैं, माइटोसिस से मदद लेते हैं। सो लास्ट पॉइंट, फॉर ऑल दिस ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड, अब देखो कितने ऊपर आपने देखे ये सारे, मतलब माइटोसिस के आपने फायदे पढ़े बेटा, ठीक है, ये सारे माइटोसिस के फायदे पढ़े, और याद रखना इम्पॉर्टेंस में फ़ायदा भी होता है उस चीज़ का और नुकसान भी पढ़ते होते हैं। इम्पॉर्टेंस में किसी चीज़ का हम फायदा भी पढ़ते हैं, नुकसान भी पढ़ते हैं, फिलहाल हमने फायदे पढ़े थे। सो उसने कहा, फॉर ऑल दिस एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड, ये जो ऊपर वाले काम थे इन सब को हासिल करने के लिए माइटोसिस को कौन, जानदारों को कौन सी माइटोसिस चाहिए, मैनेज्ड माइटोसिस चाहिए, कंट्रोल्ड माइटोसिस चाहिए, और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज माइटोसिस चाहिए, ठीक है। ऊपर वाले जितने भी फायदे थे, ऊपर वाले जितने भी पॉइंट हैं, अगर वो आपने अचीव करने हैं, फॉर ऑल दिस, यानी कि ऊपर से रिलेटेड की बात हो रही है, फॉर ऑल दिस ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड मैनेज्ड कंट्रोल्ड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अगर ठीक है, ये सारी आपकी, अगर माइटोसिस मैनेज तरीके से हो, कंट्रोल तरीके से हो और ऑर्गेनाइज तरीके से हो, तो आपको ये सारे फायदे मिल सकते हैं, मगर विच अदरवाइज में रिजल्ट, अगर ये मैनेज ना रहे, अगर माइटोसिस को मैनेज ना किया जाए, अगर माइटोसिस कंट्रोल में ना रहे, अगर ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ना रहे, तो क्या होगा, मैल फंक्शन जन्म लेंगे, अनवांटेड ट्यूमर जन्म लेंगे, रसोलियाँ जन्म लेंगी, लीथल डिजीजेस, खतरनाक बीमारियां जन्म लेंगी, जिसमें क्या होता है बेटा, कैंसर आता है। सो अगर माइटोसिस का अमल कंट्रोल में ना रहा तो मेल फंक्शन भी हो सकती है, यानी कि काम स्ट्रक्चर बनेगी, आर्गन बनेंगे लेकिन वो सही काम नहीं करेंगे, अनवांटेड ट्यूमर बनेंगे, रसोलियाँ बनेगी, और लीथल डिजीजेस, खतरनाक बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं माइटोसिस की वजह से, अगर माइटोसिस कंट्रोल में ना रहे तो। ये बेटा आज आपका टॉपिक था, इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। अल्लाह हाफिज़।